एहतराम माओ बहनों और इस कौम की बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। इस कन्वेंशन से कोई और बात शुरू करने से पहले मैं आप सबके सामने इस शोभा ख्वातीन को ज़बरदस्त शाबाश देता हूं जिन्होंने इन हालात में ये ख्वातीन का कन्वेंशन मुनक़िद किया। इस शोभा ख्वातीन को इस कोशिश पर आप सब की तरफ से भी शाबाश मिलनी चाहिए कि इन सब ने मेहनत की और ये ख्वातीन कन्वेंशन मुनक़िद किया। इस कन्वेंशन को कामयाब करने के लिए जो मेरी माएँ, जो मेरी बहनें, जो बेटियां अपने घरों से अपनी मसरूफियात के बावजूद यहां तशरीफ़ लाई, मैं उनको भी दिल की गहराइयों के साथ ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूं। आप सबको भी शाबाश। देखिए हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये बैठ जाओ बेटा, हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उन हालात में सिर्फ इस कौम की बका की जद्दोजहद, अगर इस कौम के मर्द, इस कौम के नौजवान अपने जिम्मे ले लें तो भी यकीनन कामयाबी से इस तहरीक को हम किनार करेंगे। लेकिन अगर इस तहरीक में, इन हालात में अगर इस कौम की माएँ बहनें और बेटियां भी शामिल हो जाएं, तो जो तहरीक कल कामयाब होगी वो आज कामयाब हो सकती है। यही वजह है कि शोभा ख्वातीन ने महाजर कौम की माओ बहनों बेटियों को इस कन्वेंशन में मधु करके इस तहरीक का हिस्सा बनाने की दाग बेल डाली है। आप लोगों ने, इस कौम की माओ ने, आपकी माओ ने हर तहरीक के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया है, फैसला कुन किरदार अदा किया है। चाहे वो 1857 की आज़ादी की तहरीक हो, चाहे वो खिलाफत की तहरीक हो, चाहे वो पाकिस्तान बनाने की तहरीक हो, चाहे वो पाकिस्तान बचाने की तहरीक हो, चाहे जमहूरियत की बहाली की तहरीक हो, आमरियत के खात्मे की तहरीक हो, कौम की माओ और बहनों और बेटियों ने हमेशा कुलीदी किरदार अदा किया है। और हम चाहते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आज जो कराची के हालात जिस नहज पे पहुंच चुके, ये शहर जिस तरह डॉक्टर निगहत ने और उनसे पहले तबस्सुम बाजी ने कहा था कि इस शहर को तो हमने अपने खून से सींचा है, ये शहर जिसमें हिजरत करके आने वालों को यह समझकर धकेल दिया गया था कि यह रेगिस्तान है, नहरी जमीनों पर उन्हें आबाद नहीं होने दिया था और उन्हें रेगिस्तान में भेजा था, लेकिन इस महाजर कौम की सलाहियतें थी, इस महाजर कौम की तालीम थी, इस कौम का हुनर था कि यह शहर जो वीरान था, जहां कीकर के दरख्त हुआ करते थे, जहां बबूल के दरख्त हुआ करते थे,
इस जंगल को जहां लोग शिकार खेलने आया करते थे आज गुलिस्तान बना दिया, अपने हुनर से अपनी सलाहियतों से इसको अजीम सनदी शहर बना दिया जहां आज पूरे पाकिस्तान के लोग रोजगार के हुसूल के लिए आते हैं। मैंने अपनी माँ और बहनों को इस शहर में आजादी से घूमते देखा है। हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, अपने इस शहर की गलियों में आए बगैर चैन नहीं मिलता, ये दुरुस्त है। मेरी ये गलियां जो कल मेरी शनाख्त थी, ये शहर जो मेरा फखर था, आज वही गलियां मेरे लिए गैर महफूज बन चुकी। मेरी कौम की बेटियां जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी बगैर किसी खौफ के जाया करती थीं, आज दरसगाहों में जाते हुए भी सहमी भी होती हैं, इसलिए कि अब सिर्फ उनका मोबाइल, उनकी गाड़ियां खतरे में नहीं है, उनकी जान उनकी आबरू भी खतरे में है, इसलिए कि इस शहर में आने वालों को बेलगाम छोड़ दिया गया। यहां पर पुलिस भी गैर मुकामी, यहां पर डाकू भी गैर मुकामी, यहां पर रहजन भी गैर मुकामी, यहां पर अदलिया भी गैर मुकामी, जिसकी वजह से इस शहर के अंदर लाकानूनी के अलावा कुछ नहीं बचा। और यही वजह है कि आफाक ने कहा था कि इस शहर में जब तक मुकामी पुलिस नहीं होगी, प्याम अमन की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। हमें यहां पर मुकामी पुलिस चाहिए। अगर इस शहर में इस कौम के बच्चों को पुलिस में भर्ती नहीं किया जा सकता, अगर इस शहर में इस कौम के बच्चों को यहां की इंतजामिया में भर्ती नहीं किया जा सकता और हर चीज का कंट्रोल बाहर से आए हुए लोगों के हाथ में दिया जाए, तो जाहिर है शहर के अंदर बदमनी के सिवा कुछ नहीं होगा। और मुझसे लोगों ने कहा कि आफाक भाई, आप जो बात करते हैं उससे लसानियत की बू आती है। मैं कभी किसी के खिलाफ लसानी तौर पर किसी के साथ नफरत का इजहार नहीं करता, लेकिन लसानी बुनियाद पर जब मेरी कौम के साथ इम्तियाजी सलूक रखा जाए, जब मेरी कौम के साथ नाइंसाफियां की जाए, तो फिर अगर मैं ये बात करूं कि मेरी शनाख्त की बुनियाद पर मेरे शहर में यहाँ के लोगों को पुलिस में भर्ती होना चाहिए, यहाँ के लोगों को इंतजामिया में भर्ती होना चाहिए ताकि वो इस शहर का निजाम संभाल सकें, यहाँ की गैर मुकामी पुलिस, यहाँ की गैर मुकामी इंतजामिया कबूल नहीं है। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरों को इलाकाई बुनियाद पर जानते हैं। हम ये सोचते हैं कि तमाम शहर, आप मेरी कौम की माएं, मेरी कौम की बहनें, बेटियां, मेरी बात को गौर से सुनकर समझकर इसके ऊपर फैसला कीजिएगा आप लोग। हम हमेशा कहते थे, हमने अपने बुजुर्गों से हमेशा यह सुना कि जो कौम जिसकी लोग इज्जत किया करते थे कि ये बाशऊर कौम है, इनकी सलाहियतों की लोग कदर किया करते थे, इनके इल्म की, इनकी फहमो फरासत की लोग कदर किया करते थे, वो फहमो फरासत, वो शऊर, वो सलीका, आप क्या समझते हैं कि मोटी मोटी किताबें पढ़ने से आता है? आप क्या समझते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी फीस जहां दी जाती है उन यूनिवर्सिटी में पढ़कर सलीका आता है? सबसे पहली दर्सगाह किसी बच्चे की अगर है तो वो उसकी मां की गोद है। और अगर मैं आज आपसे आप लोगों से बात करने का मौका कभी कभी मिलता है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी दिल की बात आपके साथ शेयर करूं। मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूं, आप इस महाजिर कौम का हिस्सा है, महाजिर कौम मेरा खानदान है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर करूं। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहली दर्सगाह बच्चे की कौन सी है, तो वो है मां की गोद, जहां मां अपनी गोद में बच्चे को बिठाकर हराम हलाल सिखाती है, पाकी नापाकी का एहसास दिलाती है, अपने बच्चे को बताती है कि तुम्हारे नाना कौन थे, तुम्हारे दादा कौन थे, तुम्हें
ये सिखाती है मां कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। मां बच्चे का जमीर बनाती है। अगर हम आज ये कहते हैं कि नहीं, ये हमारा जमीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम ये काम करें, हम अगर हराम से बचने की कोशिश करते हैं, हमारा जमीर मलामत करता है, तो वो जमीर किसने बनाया? मेरी कौम की माओं ने। मां की गोद सबसे पहली दर्जगाह होती है। मैं आज आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, आपको एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं। क्या आपको कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है? आपको कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है? मैं आपको एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं कि मेरी कौम की माएं, मेरी कौम की बहनें वो आज फैसला कर लें कि हम अपने घर में अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, हम अपने बच्चों को तारीख सिखाएंगे, हम अपने बच्चों को हकाइक बताएंगे, हम उन्हें बताएंगे कि हम किसकी औलाद हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि तुम सर सैयद की औलाद हो। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि तुम जौहर की शुजात हो। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि तुम अगर अपने आप को फारूकी कहते हो तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी निस्बत जोड़ने वालों को यह पता होना चाहिए कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कभी गुलाम नहीं रहे, वो हाकिम थे। हमें अपनी नस्ल को यह बताना पड़ेगा, हर माँ अपनी गोद में अपने बच्चे की तरबियत करे कि तुम आज इस शहर के अंदर जिस तरह दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की तुम्हें कोशिश की जा रही है, तुम कभी गुलाम नहीं रहे। तुम्हारी कौम की माओ ने जब भी बच्चे पैदा किए वो हाकिम और जज्जू पैदा किए, कभी गुलाम पैदा नहीं किए। आप अपने आप को उस्मानी कहते हैं, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत जोड़ने वाले लोग अपने आप को उस्मानी कहते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कभी गुलाम रहे? वह हाकिम थे। अगर आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी निस्बत जोड़कर ये कहते हो कि हम सिद्दीकी हैं, तो सिद्दीकी कभी गुलाम रहे? हाकिम थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। जो लोग अपने आप को सैयद कहते हैं, क्या कभी सैयद जो अपने आप को हजरत अली की निस्बत से जोड़ते हैं, हजरत अली कभी गुलाम रहे? हाकिम थे। आपकी नस्ल के अंदर कोई अपने आप को राजपूत कहता है, कोई अपने आप को मेओ कहता है, कोई अपने आप को मेवाती कहता है, कोई अपने आप को खानजादा कहता है, कोई अपने आप को राजपूत कहता है, कोई अपने आप को कायम खानी कहता है, कोई अपने आप को इस शहर में रहकर, इस सिंध में रहकर, इस पूरे पाकिस्तान में रहकर राजपूत रागड़ कहता है। मैं इन सब के बारे में आपको ये बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी माएं अपनी गोद में अपने बच्चों की तरबियत करें कि ये तुम्हारी कौम जिन लोगों पर मुश्तमिल है, या तो वो हाकिम थे या वो जंगजू थे, कभी गुलाम नहीं रहे। तुम्हारी कौम की, तुम्हारी नस्ल के अंदर कोई गुलाम नहीं रहा। और हाकिमों की औलादें, हाकिमों की औलादें, जंगजुओं की औलादें, कभी किसी की हाकिमियत, कभी किसी की गुलामी खुदा ना करे बर्दाश्त करने को तैयार हो सकती हैं? इस शहर में जो हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो ये कि इस शहर में जो शहर कल आपका था, आज भी आपका है, कल भी आपका होगा, लेकिन इस शहर के अंदर बाहर से लोगों को लाकर ये कोशिश की जा रही है कि ये साबित किया जाए कि ये शहर आपका नहीं है। मैंने आपसे कहा कि पूरे पाकिस्तान में तमाम शहर उनके लोगों के हवाले से पहचाने जाते हैं। अगर मैं अपनी माओ बहनों से पूछूं कि सरहद सूबा सरहद के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर किसका शहर है, तो लोग कहेंगे पख्तूनों का शहर है। अगर मैं पूछूं लाहौर किसका शहर है, तो लोग कहेंगे पंजाबियों का शहर है। अगर मैं पूछूं लाधियाना किसका शहर है, तो यकीनन आप कहेंगे कि सिंधियों का शहर है। लेकिन हैरत और फिक्र की बात यह है,
कि तुम्हारे शहर के बारे में जब पूछा जाएगा तो तुम बजाय इसके कि ये कहोगे ये महाजरों का शहर है, तुम्हें ये सिखाने की कोशिश की जाती है कि ये मिनी पाकिस्तान है, ये तमाम पाकिस्तानियों का शहर है। सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारी चीज तुम्हारी और मेरी चीज सबकी कैसे हो सकती है? जब तुम्हारी चीज तुम्हारी है तो मेरी चीज भी सिर्फ मेरी होगी। ये शहर महाजरों का शहर है, ये शहर महाजरों का शहर रहेगा। बताना चाहता हूं, हमें मेरी सुनी ये शहर आपका है, इस शहर में इंतखाबात भी होते हैं और इस शहर के अंदर इंतखाबात का मैंडेट चोरी किया जाता है। इस शहर के अंदर वो लोग जो इस शहर में कमाने आए थे वो इंतखाब लड़ते हैं और वो इंतखाब लड़कर इंतखाब जीत जाते हैं। मैंने कहा था इस शहर का मैंडेट चोरी होगा। इस शहर में महसूद भी जीतेगा, इस शहर में चांदियों भी जीत सकता है, इस शहर के अंदर कोई और डोगर भी जीतेगा। ऐसा ही हुआ, इस शहर में महसूद कबीले का पठान भी जीता और इस शहर में महाजरों से उनका मैंडेट छीन लिया गया। आज भी जो लोग बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, अपने आप को यह कहने की कोशिश करते हैं कि इस शहर का मैंडेट उनके पास है। मैंने बहुत ताने सुने कि आफाक महाजरों की बात करता है लेकिन आफाक के पास मैंडेट नहीं है। आप जानते हैं कि आपने वोट डाला था महाजर कौमी मूवमेंट को, मैंडेट चोरी हुआ? अब मैं फिर आपसे एक बात करना चाहता हूं, महाजर कौमी मूवमेंट हालात कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, इंतखाबी अमल से दूर नहीं चलेगी बल्कि वो इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेगी। और महाजर कौमी मूवमेंट इंतखाब में हिस्सा क्यों लेगी? इसलिए लेगी कि वो अपनी कौम का मैंडेट ऐवान से बाहर भी हुकूक के हुसूल के लिए इस्तेमाल करना चाहती है और ऐवान के अंदर भी महाजर हुकूक की तहरीक के अंदर, महाजर हुकूक की जिद्दोजहद के अंदर, ऐवान के अंदर भी आवाज उठाना चाहती है। आज ऐवान में जो लोग हैं, आज उनकी कैफियत क्या है? आज के बाद आने वाले इंतखाब में आप लोगों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना होगा। आपके सामने वो लोग भी हैं इस शहर के अंदर जो कल आपके पास वोट मांगने आएंगे। उन्होंने आपके सामने ये बातें की थी कि महाजर तहरीक को हमने हमेशा के लिए दफन कर दिया, महाजर शनाख्त को हमने हमेशा के लिए दफन कर दिया। ये बातें की गई इस शहर में या नहीं? मैं किसी सियासी जमात का, किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता लेकिन आप लोगों को मालूम है ना कि किन्होंने ये कहा था कि महाजर शनाख्त दफन कर दी, महाजर सियासत को हमने हमेशा के लिए दफन कर दिया। मैं अपनी कौम की माओ और बहनों और बेटियों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी शनाख्त के बगैर तुम जीना चाहोगे? कभी नहीं। आफाक का कसूर यह है कि आफाक ने हमेशा इस बात की जद्दोजहद की है कि वो जिएगा तो शनाख्त के साथ, मरेगा तो शनाख्त के साथ। आफाक ना गुमनामी में जीना चाहता है ना आफाक गुमनामी में। मेरी माओ बहनों, आपसे शनाख्त छीन कर ये कहा गया, महाजर सियासत का खात्मा कर दिया, क्या ऐसे लोगों को आप वोट डालेंगे? क्या ऐसे लोगों को वोट डालना चाहिए? जो लोग ये दावा करते हैं कि हम इस कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे पास मैंडेट है, इस कौम का सबसे बड़ा इस वक्त बुनियादी मसला क्या है कि मेरी कौम के नौजवान पढ़कर भी कोटा सिस्टम की वजह से मुलाजमतें हासिल नहीं कर सकते,
इस कोटा सिस्टम को किसकी मौजूदगी में इमरान खान ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुसल्लत किया? आपके उन लोगों की मौजूदगी में जो आज उनके इत्तेहादी बनकर बैठे हुए हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन क्या ऐसे लोगों को जिन्होंने तुम्हारे हुकूक के ऊपर डाका डालते वक्त खामोशी इख्तियार की, उन मुजरिमों को वोट डालना चाहिए? क्या ऐसे लोग जो अपने कायद से वफा ना कर सकें और सिर्फ अपनी गर्दनें बचाने के लिए अल्ताफ से अलहदगी इख्तियार कर लें और यह दावा करें कि हमने तो सिर्फ इसलिए अलहदगी इख्तियार की कि वह मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस था? मैं तुम लोगों से मेरी माफी चाहता हूं, आप लोगों से, अपनी माओं से पूछना चाहता हूं, जो लोग टीवी देखते रहे हैं, जो लोग अखबार पढ़ते रहे हैं, वो जानते हैं कि अल्ताफ हुसैन ने 2007 के अंदर इंडिया जाकर इस मुल्क के खिलाफ कितनी जहर अफशानी की थी। उस वक्त इस कौम के वो लोग जो आज ये दावा करके अलग पार्टी बना के बैठे हुए हैं कि अल्ताफ हुसैन क्योंकि मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस था इसलिए हमने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली, बात ये नहीं है अपना सर बचाने के लिए अलहदगी इख्तियार की। अगर मुल्क दुश्मनी की वजह से अलहदगी इख्तियार करते तो 2007 में जब अल्ताफ हुसैन मुल्क के खिलाफ जहर अफशानी कर रहा था उस वक्त इनमें से कोई भी बच्चा नहीं था, उस वक्त इनमें से कोई भी पानी को मम मम और खाने को हप्पा नहीं कहता था, ये फीडर से दूध नहीं पीते थे, ये टीवी के ऊपर बैठ के अल्ताफ हुसैन की वकालत किया करते थे। लेकिन आज ठाकुर के उठाने पर, रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद इन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील कर ली। जो लोग अपने मोहसिन के साथ, जिनके नाम की खाते थे, जिनके नाम पर पहचाने जाते थे, उससे बेवफाई कर सकते हैं तो तुम्हारी कौम से वफा करेंगे? अगर ऐसे लोग जो अपने मोहसिन से बेवफाई कर सकते हैं अपनी गर्दन बचाने के लिए, वो तुम्हारी कौम से मुखलिस नहीं हो सकते? क्या आइंदा आने वाले इंतखाब में ऐसे लोगों को वोट डालेंगे? अगर नहीं डालेंगे तो इस महाजिर कौम का मैंडेट महाजिर नाम पर महाजिर कौमी मूवमेंट के पास होगा और आपको उस मैंडेट की हिफाजत करनी है, अपने वोटों की हिफाजत करनी है। इसलिए कि हम इस तहरीक को, हम इस जिद्दोजहद को ऐवान और ऐवान से बाहर दोनों जगह पर लड़कर करना चाहते हैं। हमारे वो मसाइल जो बुनियादी तौर पर हल हो जाने चाहिए थे और हल नहीं हुए, उन्हें हल करने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप जानते हैं कि मैसूरी ने मुशरकी पाकिस्तान कसमों पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं रेड क्रॉस के कैंपों में, उनका कसूर क्या है? वो माएं जो कल जवान छोड़ के आए थे आज उनके बाल सफेद हो गए, जो बच्चियां कल झूले में छोड़कर आए थे आज बूढ़ी होने को आ गई, लेकिन रेड क्रॉस के कैंपों में आज भी वो फैमिलियां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती हैं, वहां 35 करोड़ बंगालियों के बीच में पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, 35 करोड़ बंगालियों के बीच में पाकिस्तान की बजाय बांग्लादेश को तस्लीम करने के फार्मूले को रद्द करते हैं, इसके बावजूद वो लोग आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में, इसलिए कि उनका कोई रिश्तेदार पंजाबी नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार पठान नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार सिंधी या बलोची नहीं है, हम उनके रिश्तेदार हैं। उनको लाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जिस तरह अफगानिस्तान के वाकये के ऊपर सारे पठान सरहदें खोलकर अफगानियों को पनाह देते हैं सिर्फ पख्तून होने के नाते, इस तरह उन मैसूरीन को लाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम ताकत हासिल करेंगे, ताकत के बल पर उनको वापस लेकर आएंगे। हम चाहते हैं कि इस महाजिर कौम को मजबूत करने के लिए मेरी कौम की माएं और बहनें अपना किरदार अदा करें। आप अपने आप को तहरीक का हिस्सा बनाएं, आप अपने आप को इस तहरीक में इस तरह जोड़ लें कि आपकी तरबियत में परवरिश पाने वाला बच्चा इस महाजिर कौम का लीडर बन के निकले, इस महाजिर कौम का मसीहा बन के निकले, इस कौम के बच्चों के अंदर गुलामी जहन से कुरच के बाहर निकाल दीजिए, उनके जहनों में ये बात डालिए कि तुम हाकिमों की औलाद हो, तुम जंगजुओं की औलाद हो, तुम कभी किसी की गुलामी के अंदर नहीं रह सकते, तुम हमेशा आजाद और हाकिमों की तरह अपनी जिंदगी गुजारोगे। मैंने कहा कि मेरी कौम की माएं गुलाम पैदा नहीं करती, हाकिम पैदा करती हैं, जंगजू पैदा करती हैं। इस कौम की माँ और बहनों से अगर कोई ये तवक्को रखे कि उनका पर्स छीन कर उनको घरों में मैसूर कर दोगे, उनके किसी
पैसे को छीनकर, उनके मोबाइल को छीनकर, टीडी दिखाकर, क्लाशन कोप दिखाकर मेरी कौम की बच्चियों को तुम कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने से रोक लोगे, तो मेरी कौम की बच्चियां खौफजदा नहीं है। मेरी कौम की बच्चियां भी हाकिमों की औलाद हैं, और वो भी राजपूतों की तरह, महाजरों की तरह डटकर इन हालात का मुकाबला करेंगी। वो कॉलेज भी जाएंगी, वो यूनिवर्सिटियां भी जाएंगी, वो इस शहर में कबायली निज़ाम को पनपने नहीं देंगी। हम इस शहर को कबायली निज़ाम के अंदर तब्दील नहीं होने देंगे। इस शहर में मेरी कौम की बेटियां आज़ादी से घूमेंगी भी, आज़ादी से कॉलेज और यूनिवर्सिटियां भी जाएंगी। मैं इस शहर में गैरों के तसल्लुत के खात्मे तक जद्दोजहद जारी रखूंगा, और आप सबको मेरे साथ उस जद्दोजहद का हिस्सा बनना पड़ेगा। मेरी इस बात को याद रखेंगे कि जो लोग इस महाजर लफ्ज को खत्म करके खुशी का और कामयाबी का ऐलान कर रहे थे, ऐसे बदबख्त लोगों को महाजर कौम का कोई फर्ज वोट नहीं डालेगा। हराम है ऐसे लोगों को वोट डालना जो महाजर कौम की शनाख्त तस्लीम करने से मना कर दे। और क्या ऐसे लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए जो अपने लीडर से वफा ना कर सके? और मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, एहसास दिला दिया कि मुल्क दुश्मनी वजह नहीं है अल्ताफ को छोड़ने की। अगर अल्ताफ की मुल्क दुश्मनी वजह होती तो 2007 में इन सबको अल्ताफ से अलग हो जाना चाहिए था। ये सब टीवी में बैठकर अल्ताफ की वकालत किया करते थे। इसका मकसद ये है कि आज अपनी गर्दनें बचाने के लिए अलग इख्तियार किए, मुल्क दुश्मनी वजह नहीं थी। सब लोग इस कौम की बजाय अपने आप से वफा निभाने की कोशिश करते हैं। आफाक का कसूर सिर्फ यह है कि आफाक ने पूरे जहां को दुश्मन बनाया सिर्फ यह कहकर कि इस महाज लफ्ज से इन्हराफ नहीं हो सकता। यह मेरी शनाख्त है, यह शनाख्त मुझे मेरे नबी से, मेरे पैगंबर से दोहरी निस्बत देती है। तमाम कौमियतें अपने आप को मुसलमान होने के नाते हुजूर का उम्मती तो कह सकती हैं, लेकिन दूसरी निस्बत नहीं जोड़ सकती। आफाक अपने पैगंबर से दोहरी निस्बत जोड़ता है, एक मुसलमान होने के नाते उम्मती होने का रिश्ता, और दूसरा महाजर आजम होने के नाते इस कौम की शनाख्त उसका रिश्ता कि हम हुजूर के साथ दो रिश्तों से मुंसलिक हो गए। मैं इस लफ्ज से इनकार नहीं कर सकता, ये मेरी शनाख्त है, ये मेरी कौम की शनाख्त है। मैंने कहा जिएंगे तो शनाख्त के साथ, मरेंगे तो शनाख्त के साथ। गुमनामी में ना मरना चाहते हैं, गुमनामी में ना जीना चाहते हैं। हमारी इस तहरीक का बुनियादी मकसद यही है कि हम अपने मसाइल को अपनी ताकत के जरिए, क्योंकि मांगने से नहीं मिलेगा, अपनी इत्तेहाद के जरिए मसाइल को हल करना चाहते हैं। मेरी कौम की माओ बहनों ने आज इस कन्वेंशन में आकर मेरा हौसला बुलंद किया है, मेरी इस जद्दोजहद को यकीनन तकवियत मिली है कि अगर ये माएँ और बहनें अगर इस तहरीक का हिस्सा होंगी तो इनकी गोदों में परवरिश पाने वाले बच्चे आइंदा इस कौम का बोझ उठाने के काबिल पैदा होंगे, इस कौम को रहनुमाई करने के काबिल लोग तैयार होंगे। इस कौम की माएँ अपनी गोद में परवरिश पाने वाले बच्चे की ये तरबियत करेंगी कि वो हाकिम हैं, वो गुलाम नहीं हो सकते। मैं एक और बात आपको बताकर, आपसे मैंने बहुत खुश्क बातें कर ली, मैं आपको एक वाकया बताकर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप इस तहरीक का हिस्सा बने। एक तो मैं ये सबके सामने, मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि मेरे कौम के लोगों को अगर इसी तरह यहाँ पर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस स्ट्रीट क्राइम के लोगों के रहमो करम पर छोड़ा जाएगा, और यहाँ पर मुकामी पुलिस तैनात करके शहर का निज़ाम यहाँ के लोगों के हाथ में नहीं दिया जाएगा, तो फिर ये तवक्को न कीजिएगा कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। हम अपनी माँ और बहनों की चीज़ें छीनते हुए और उनके साथ होने वाली ज्यादतियों पर खामोश रहेंगे।
हमने माजी में भी अपने इलाकों के अंदर चौकीदारी निज़ाम कायम किया था, हम फिर दोबारा अपने शहर के अंदर चौकीदारी निज़ाम कायम करेंगे, हम फिर अपने नौजवानों की ड्यूटियाँ लगाएंगे। इस शहर में फिर किसी की मूवमेंट हमारी इजाज़त के बगैर हो नहीं सकती, हमारे शहर में फिर हमारे निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये बात कान खोल कर सुन लीजिए। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मैसूरी ने मशरकी पाकिस्तान की वापसी को यकीनी बनाना होगा। मैं पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि खुदारा उन लोगों की हुब्बुल वतनी की कदर कीजिए, इसलिए कि अगर वो लोग इसी तरह रेड क्रॉस के कैंपों में रहे तो इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने का जज्बा मान पड़ जाएगा। लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने पाकिस्तान बचाने की तहरीक में वहाँ अपने जवान कटवा दिए, अपने मर्द ख़त्म करवा दिए, बूढ़ी माएँ और छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में, सब वापिस आ गए जो तनख्वाह लेकर लड़ते थे। लेकिन वो लोग जिन्होंने फी सबीलिल्लाह इस मुल्क की बका के लिए जद्दोजहद की थी वो वहाँ पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों से मैं अपील करता हूँ कि उन मैसूरी ने मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त किया जाए। मैं फिर ऐलान करता हूँ कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत अपने ही पाकिस्तान के शहरियों को लाने के लिए माली वसाइल का रोना रोती है तो आज आफाक इस बात का ऐलान करता है कि आफाक ने लाखों लोगों को इस शहर के अंदर आफाक की कौम ने पनाह दी, उन्हें बिठाकर खिलाया। आज सैलानी अगर लाखों लोगों को खाना खिलाता है तो वह हमारी ज़कात से खिलाता है। अगर हम दूसरों को अपनी ज़कात पे पाल सकते हैं तो अपने पैसे से अपने रिश्तेदारों को जो मैसूरी ने मशरकी पाकिस्तान ने उन्हें वापस लाने का हौसला है हमारे अंदर, हुकूमत पाकिस्तान पासपोर्ट जारी करे, हम उन्हें लाने के तमाम खर्चे बर्दाश्त करने को तैयार हैं। एक और चीज आपके जहन में बिठाना चाहता हूं कि हम यकीनन इंतजामी बुनियादों पर अलग सूबा हासिल करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं और यह हमारा मुतालबा है कि जिस तरह पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची सबको इख्तदार में हिस्सेदार बनाया गया है, इसी तरह महाजिर एक अलहदा कौम है, उसको भी इख्तदार में हिस्सा चाहिए, उसको भी इस बात के एहसास के लिए कि उसका अपना सूबा है उसको भी एक अलहदा सूबा चाहिए। और ये जद्दोजहद हम तर्क नहीं कर सकते, लेकिन एक बात आप सबको ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस सूबे में जब तक इसकी तकसीम नहीं होती, ये सूबा सिंध है और इस सूबा सिंध के अंदर हम हुकूक की जद्दोजहद करते हुए नाइंसाफी करने वाले सिंधी से लड़ेंगे, लाजमी लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे। लेकिन ये बात सबको समझ लेनी चाहिए कि इस सिंध के अंदर सिर्फ दो कौमें जो इस सिंध से बाहर नहीं जाएंगी, ना सिंधी महाजिर को लड़कर इस मुल्क से, इस सूबे से बाहर निकाल सकता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ना हम सिंधी को यहां से बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए कि सिंधी और महाजिर दो मुस्तकिल कौमियतें हैं जो इस सूबे के अंदर आबाद हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिंध ने तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं की, लाकना और दादू से अपॉइंट करके यहां पुलिस लाके तैनात की है, हम तमाम नाइंसाफियों पर लड़ेंगे, लेकिन मैं कभी यह पसंद नहीं करता कि मैं आकाओं की तब्दीली की जद्दोजहद में अपनी कौम को इस्तेमाल करूं कि सिंधी की गुलामी से निकल के वफाक की गुलामी में और वफाक की गुलामी से निकल कर किसी और की गुलामी में, आका तब्दील करने की जद्दोजहद में अपनी कौम की तवानाइयां जाय करना गलत। मैं अपनी कौम की तवानाई अगर इस्तेमाल करना चाहता हूं तो सिर्फ आजादी हासिल करने के लिए, सिद्दी की गुलामी से, वफाक की गुलामी से हम भी उसी तरह आजादी के अंदर रहना चाहते हैं जिस तरह सिंधी रहता है, इस एतमाद के साथ कि ये सूबा उसका है, इस एतमाद के साथ कि ये उसकी गवर्नमेंट है। मैं भी इख्तदार में अपनी कौम का हिस्सा चाहता हूं, इससे ज्यादा हम नहीं चाहते। लेकिन आज आपके शहर के अंदर किसी और के कहने पर यहां गालियां दी जाती हैं, किसी और के कहने पर पीपल्स पार्टी का नाम लेकर सिंधियों से नफरत के बीज बोए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं
कि सिद्ध ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। तमाम लोग तहरीक चला रहे ना कि सिंध के अंदर हमारे साथ जुल्म हो रहा है, सिंध मोहनजो डारो बन गया, बिल्कुल बना दिया, सड़कें टूटी हुई हैं, मुलाजमतों से महरूम है इस कौम के बच्चे, तालीम से महरूम है इस कौम के बच्चे। सिंध की हुकूमत ने माजरों के साथ बहुत ज्यादती की है। लेकिन जो लोग तुम्हें पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए कह रहे हैं, मैं पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करता, मैं पीपल्स पार्टी को तस्लीम ही नहीं करता कि वो सियासी पार्टी है और कौमी धारे की पार्टी है। लेकिन आज जो लोग तुम्हें तहरीक चलाने के लिए कह रहे हैं, मैं सवाल करना चाहता हूं कि अरे उनसे तो पूछो कि हाँ पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ ज्यादती की है, लेकिन क्या वफाक ने उस ज्यादती का अजाला करने की कोशिश की? क्या वफाक ने हमारे जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की? अगर हमें सिंध के अंदर मुलाजमतों से महरूम रखा गया तो क्या वफाकी इदारे इस कराची में काम नहीं करते? क्या केपीटी इस कराची के अंदर काम नहीं करता? क्या कस्टम का इदारा इस कराची में काम नहीं करता? क्या कस्टम के अलावा पीआईए इस कराची में मौजूद नहीं है? वफाक के अंदर इस कौम के बच्चों को नौकरी दे देते अगर आपको दुख था कि सिंध के लोग इन महाजिर अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप किसी के लिए काम कर रहे हो, आप किसी के लिए नफरत के बीज बोकर यहां पर मुस्तकिल आबाद कौमों को लड़ाना चाहते हो, जिसका मैं मुखालिफ हूं। हम लड़ेंगे सिंधियों के साथ अपने हुकूक के उसूल के लिए, किसी और के मफाद के लिए नहीं, किसी और के कहने पर नहीं। मैं आपको एक वाकया सुनाकर इस वाकये को भी, इस बात को भी समझाकर अपनी बात को खत्म कर देता हूं कि एक खरगोश को पकड़ने के लिए शिकारी कुत्ता लेकर कोई शिकारी खड़ा हुआ था। खरगोश को देखा और खरगोश को देखते ही गले से पट्टा निकाल दिया और वो खरगोश के पीछे कुत्ते ने दौड़ना शुरू कर दिया। खरगोश भागता रहा भागता रहा, कुत्ता उसके पीछे भागता रहा। आखिर हार के, थक हार के, सांस फूल के दोनों बैठ गए। कुत्ते ने खरगोश से पूछा, खरगोश तेरी टांगें भी छोटी हैं, मेरी टांगें भी बड़ी हैं, मेरी जिसामत भी बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद तूने हिम्मत नहीं हारी, तू भागता रहा, मुझे शिकस्त दे दी, मैं तुझे पकड़ नहीं सका, मैं कामयाब नहीं हो सका। खरगोश ने क्या क्या समझे? बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी तो आपको समझ में ही नहीं आई। बात यह कि खरगोश ने कहा कि मैं अपनी बका की जंग लड़ रहा था, तू किसी का आलाकार है, तुझे किसी ने गले का पट्टा खोलकर छोड़ा है मेरे पीछे, तू अपने लिए नहीं भाग रहा था, उसके लिए भाग रहा था। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, मैं बहुत बुरा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं वफाक की सियासत कर रहा हूं, मैंने हमेशा कहा कि मैं लसानी सियासत करता हूं, मैंने हमेशा कहा कि मैं महाजर पॉलिटिक्स करता हूं, मैंने हमेशा कहा कि मैं अपनी कौम की बात करता हूं। मैं मैंने कहा कि खरगोश ने कहा कि मैं अपनी जंग लड़ रहा था, तो जाहिर है मेरी बका की जंग थी, मैं हिम्मत नहीं हारा, इसलिए कि अगर मैं हिम्मत हार जाता तो मैं मारा जाता। तू किसी और की जंग लड़ रहा था, तेरा पट्टा किसी और ने खोला था, तेरी लगाम किसी और के हाथ में, तू किसी और के लिए भाग रहा था। आप सबके सामने ये बात कहना चाहता हूं, आप भी जिससे मिले उससे कहिए, उसको समझाइए कि खरगोश बन जाओ, अपनी बका की जंग लड़ो, और अगर अपनी जगह की बका की जंग नहीं लड़ सकते तो कुत्ते मत बनो, किसी और का कुत्ता बन के इस कौम को बर्बाद नहीं करो। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? सबके सब अपनी गर्दनें बचाने के लिए वफाक के इशारे पर यहां नारेबाजी कर रहे होते हैं। अरे वफाक से तो पूछो कि तुम्हें कभी सिंगल मुलाजमत दी है? कभी नहीं दी। हम सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ना चाहते हैं। क्या ये बिलावल? बिलावल
बारे में मुझे याद दिलाया कि बिलावल भुट्टो एक पार्टी के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। उन्होंने ये कहा कि मुकामी और गैर मुकामी क्या होता है, तो बिलावल भुट्टो साहब को भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो लोग मर के यहाँ दफन होते हैं वो मुकामी हैं, और जिनकी लाश यहाँ से उनके आबाई गांव जाती है वो गैर मुकामी हैं। तो यहाँ पर कौन लोग मुलाजमतों में होने चाहिए, यहाँ पर इंतज़ामिया में कौन होना चाहिए? जब तक मुकामी लोग यहाँ इंतज़ामिया में नहीं होंगे यहाँ अमन कायम नहीं हो सकता। और आज के बाद इस तहरीक में, इस महारे जद्दोजहद में सिर्फ इस कौम के बेटे, इस कौम के बुजुर्ग शामिल नहीं होंगे, बल्कि इस तहरीक में आज के बाद इस कौम की माएँ, इस कौम की बहनें और बेटियाँ भी शामिल होंगी। आप सबका यहाँ आमद का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंतज़ामिया के जो लोग और शोभा ख़वातीन हैं उन सबको इस बात का पाबंद करता हूँ कि जब तक ये ख़वातीन अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर इत्मीनान से रवाना ना हो जाएं, इस पिंडाल से इंतज़ामिया के लोग जाएंगे नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जिए महाजन।